श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम। जगन्नाथ की सवारी निकल रही थी, हजारों हजारों व्यक्ति दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़े थे, और जैसे ही रथ आता अष्टांग दंडवत कर रहे थे। तब कवि ने चिंतन किया क्या हो रहा है, यह दंडवत नमस्कार किसको किया जा रहा है। तो शायद चिंतन में आया, रास्ता सोचता होगा कि मुझे नमस्कार किया जा रहा है, रथ सोचता होगा कि नमस्कार मुझे किया जा रहा है, और मूर्ति सोचती होगी कि नमस्कार मुझे किया जा रहा है। तो कवि ने इसका अंकन करते हुए कहा, एक बंगाली कवि, पथ भावे आमी देव, रास्ता सोच रहे मैं देव हूं, मुझे नमस्कार हो रहा है, और रथ भावे आमी, रथ सोच रहा है कि नमस्कार मुझे हो रहा है, और मूर्ति भावे आमी देव, और हंसे अंतर्जामी, अंतर्जामी ऊपर बैठे बैठा हंस रहा है कि नमस्कार तो मेरा है और ये लोग अपना मान रहे। मैं देखता हूं कि हम लोग, चाहे हमारी यात्रा हो रही है, चाहे कुछ दिन महाश्रवण की यात्रा हुई, और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, एक ऐसा वातावरण बन रहा है, श्रेय हमें मिल रहा होगा, ऊपर बैठा बैठा कोई हंस रहा है। कि सारा काम तो मेरा है और श्रेय इनको मिल रहा है, हंस रहा है। मैं मानता हूं कि आचार्य तुलसी ने जो व्यापक दृष्टिकोण दिया अनुव्रत, और उसके कार्यक्रमों का जो व्यापक प्रसार किया, वह 50 वर्ष होते होते अमृत कुंभ इतना छल छला गया कि अब हमें लग रहा है कि उसका परिणाम आ रहा है। अहिंसा यात्रा का जो स्वागत हुआ है, आपने महाश्रवण की यात्रा की कहानी सुनी, और हमने सर्वत्र अनुभव किया कि शायद अहिंसा यात्रा इस नाम का ही सब कुछ हो रहा है। दोनों ओर पंक्तियां जनता की, छात्रों की, बड़ा विचित्र लग रहा था कि कहीं कोई भेद नहीं लग रहा था। इतने गांवों में हम गए कि जहां कौन तेरा पंथी है कौन नहीं है हमें पता नहीं, कौन जैन है कौन जैन नहीं है पता नहीं, पूरा गांव का गांव ऐसा होता कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस प्रकार का एक वातावरण, सिर्फ एक घटना आपको बताऊं, मैं रात को प्रवचन नहीं करता, प्राय दिन में करता हूं,
इस बार महाश्रवण के जाने के बाद कम से कम 3-4-5 बार मुझे रात को भी जानना पड़ता, और एक बार करता हूं, एक बार 3 बार दिन में, 3 बार रात में प्रवचन करना पड़ता। गांव एक आया, लम्थी गांव आया, हम गए मस्जिद, गए और देखा कितने अपार लोग, कितनी महिलाएं सिर पर कलश लिए स्वागत में खड़ी है, कॉलेज के प्रिंसिपल आदि दूसरे वहां पहुंचे। उससे पहले ही एक व्यक्ति ने कान में कहा कि यह हिंदू मुस्लिम दंगा होने वाला है, बहुत तनाव है, अब तैयारी है 2-4 दिनों में दंगा होने की। पुलिस आदि की सारी व्यवस्था सरकारी थी कि दंगा न हो। हम ठहरे विद्यालय में, विद्यालय का प्रांगण भर गया जनता से, मैंने उसी को लक्ष्य कर प्रवचन किया और हम वहाँ से आधा घंटा बाद ठहर कर आगे गए। मुनि सुखलाल जी को मोजी को छोड़ गए पीछे, कभी सारी व्यवस्था को संभालो और कुछ बदलाव आना चाहिए। मैं अगले गांव देऊर पहुंचा और 2 घंटा बाद संवाद मिला कि वहाँ एक ऐसा प्रशिक्षण की समिति बन गई है, केंद्र बन गया है, वहाँ के प्रिंसिपल और प्रबुद्ध लोग 21 आदमियों की समिति बन गई है और अब उन्होंने संकल्प किया है कि हमारे गांव में नहीं, हम आसपास में भी कभी दंगा नहीं होने देंगे। ये मानता हूँ एक प्रभाव है अहिंसा यात्रा का, या आचार्य तुलसी के व्यापक दर्शन का प्रभाव है, जिन्होंने धर्म को सीमा में नहीं बांधा। अगर सीमा में हो तो अलग बात होती है। एक स्थानिकवासी भाई वहां का युवक अच्छा पढ़ा लिखा था आया और बोला कि ऐसा जुलूस और इतना उत्साह मैंने जीवन में आज तक देखा नहीं और आगे शायद होगा नहीं। ये सारा मानता हूं अहिंसा, अहिंसा यात्रा और उसके कार्यक्रम का प्रभाव है। मैंने बहुत लोगों से कहा, जैन लोगों से भी कहा कि अगर हमें भगवान महावीर को, महावीर की वाणी को, महावीर के दर्शन को वर्तमान युग में, जो कि बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने वाला है, कि अहिंसा यात्रा के बारे में हमें श्रेय दिया जा रहा है। आचार्य तुलसी ऊपर बैठे बैठे शायद सुनते होंगे तो हंसते होंगे कि देखो काम तो मैंने किया, श्रेय किसको दिया जा रहा है, बड़ी विचित्र बात है। मार्च श्रवण की 25 दिन की यात्रा हुई, संवाद तो हमारे पास सारे पहुंचते ही थे और हम जानते ही थे, पर कठिनाई एक है कि मैं तो फिर भी निषेध करना जानता हूं, ये शायद नहीं जानते, ये बड़ी कठिनाई है। अब करुणा की बात है तो करुणा बहुत आवश्यक है। मैं अपनी बात कहूं अच्छा नहीं लगेगा, प्रसंग बस कहना चाहता हूं, कहीं की बात है, बंगाल की बात है, शायद कलकत्ता की बात होगी। एक कोई अच्छा ज्योतिर्विद या रहस्यविद व्यक्ति अपने भाई की दुकान में गया और वहां एक फोटो देखा, पूछा किसका है, उसने कहा मेरे गुरु का है। फोटो देखकर वह बोला कि ये फोटो तो बता रहा है कि भगवान बुद्ध के बाद शायद दूसरा व्यक्ति हुआ है जिसमें बुद्ध जैसी करुणा है, अब शायद इनका फोटो देखेगा तो और जोड़ देगा एक ना। करुणा अहिंसा का एक प्राण है और बिना करुणा और संवेदनशीलता के कुछ होता भी नहीं है। मेरे मन में एक बात आती थी कि महाश्रवण तो स्वयं कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, छाले भी पड़ गए हैं, सब कुछ हो रहा है, पर वे बेचारे छोटे छोटे साधु हैं, उनका क्या हो रहा है। हमारे पास छाले की बात आई तो मैंने कहा छाले हैं तो पदत्राण नहीं पहने, एक उल्टी बात कही थी। क्यों कि नेपोलियन जब विजयी होकर आया
और सैनिकों के घाव बहुत थे, तो लोगों ने कहा कि इनको बहुत बढ़िया कपड़ा करके इनको ढांक देना चाहिए। नेपोलियन ने कहा ये सूरता के घाव हैं, इनको ढको मत, खुला रहने दो। ये मैंने लिखा भी था, इसमें पत्र में भी लिखा था मैंने, तो इन छालों को खुला ही रखो, पदत्राण की न कहने पता लगे। एक बात निश्चित है कि जो व्यक्ति अहिंसा का काम करेगा, नैतिक मूल्यों का काम करेगा, उसे श्रम और कठिनाई तो झेलनी ही पड़ेगी। अगर श्रम न करे, एक बार मैंने कहा था कि देखो मैं तेरा पंथ का आचार्य हूँ और तेरा पंथ के श्रावक समाज में जितनी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा खोजनी पड़ेगी। तो मैं अगर चाहूँ तो एक बड़े स्थान पर कितनी आराम और सुविधा के साथ बैठकर और निरंतर आराम भोग सकता हूँ, किंतु अगर ऐसा करूँ तो सबसे पहले नाराज हो जाएंगे आचार्य तुलसी। उनको मैं नाराज कभी जीवन में किया नहीं, करना भी नहीं चाहता। बड़ी कठिनाई है, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने अनेक साधुओं से कहा कि अभी हमारी यात्रा में कोई कष्ट नहीं है। कष्ट की यात्रा देखना हो तो उत्तर प्रदेश की यात्रा देखो, जहां लुए चल रही थी, आदमी मर रहे थे, उस बीच में दोपहर का बिहार और पदत्राण भी नहीं थे। कष्ट देखना हो तो बंगाल की यात्रा देखो, दक्षिण की यात्रा में शायद उतना नहीं हुआ, पर उत्तर प्रदेश और बंगाल की यात्रा इतनी कष्टपूर्ण थी। अभी तो कितने चले हैं, 2000 माइल की यात्रा कलकत्ता से राजसमंद मेवाड़ तक पहुंचे थे। माइल किलोमीटर नहीं, 2000 माइल किलोमीटर 3-4 हजार हो जाएंगे शायद। हाँ, इतनी लंबी यात्रा, और यात्रा में भी आगे जाकर कुछ मिलता नहीं। आज तो नाश्ता तो मिल जाता है, बस गोश्री आए 12 बजे, वह भी आचार्य तुलसी ऐसे कि कोई बात करने वाले आ गया तो गोश्री लिए घंटा भर खड़े रहो, बोले बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसी कठोर यात्रा की तब एक वातावरण बना है और नैतिकता और अहिंसा के प्रति एक दृष्टिकोण बना है। तो बस हम यात्रा की लंबी चौड़ी बात न करें, एक बोध पाठ लें, बोध पाठ कि हमें आराम का जीवन नहीं जीना है, सुविधा का जीवन नहीं जीना है। हम आचार्य तुलसी की वह पंक्ति याद रखें कि खबरदार, क्या है खबरदार, सुविधावाद पनप पाए। खबरदार रहना है कि सुविधावाद न पनपे। और जब तक साधु साध्वियों में समणियों में सुविधावाद नहीं पनपेगा, तब तक तो ये अहिंसा की, धर्म संघ की, जैन शासन की, तेरा पंथ की या मानवता की प्रभावना होती रहेगी। और जिस दिन सुविधावाद पनपा, अपना पुट्ठा लेकर अपने मठ में उपाश्रय में बैठे रहो, कोई आने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हमें तो बोध लेना है हर यात्रा से। तो मुझे प्रसन्नता है कि महाश्रवण ने 25 दिनों में हमसे पृथक विहार करके भी जो कठोरता का परिचय दिया, कठोर जीवन जीने का, उसकी मुझे प्रसन्नता है। अगर ये भी आराम से बैठे आते तो ठीक है, गैर आ गए, खास बात नहीं होती। और आप यह भी निश्चित माने, टोहाना मर्यादा महोत्सव के समय पर मैंने 4 सूत्रों के बारे में की थी सफलता की, 4 सूत्र और 5 सूत्र, उनमें 1 सूत्र है श्रम करो सफल बनो, श्रम करो सफल बनो। अगर श्रम करो तो सफल बन जाओगे, और श्रम नहीं करोगे सफल नहीं बनोगे। मैंने इनके शायद जन्मदिन पर वहाँ सूरत में कहा था, कोई प्रसंग था युवाचार्य का, उस दिन एक कहा था, और कल भी मैंने समणियों को एक श्लोक सिखाया था, बड़ा महत्व का अच्छा श्लोक है कि भाग्य भी किसका साथ देता है। भाग्य होता है बहुत लोगों के, पर बहुत लोग भाग्य को निकम्मा गमा देते हैं, भाग्य का उपयोग नहीं कर पाते। वे लोग जो अपने भाग्य का उपयोग कर सकते हैं, पर कब कर सकते हैं,
कि जिनमें ये 6 बातें हो, उद्यमे साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम है, सदेते यत्र विद्यन्ते तत्र दैवम सहायकम। जहाँ ये 6 बातें होती है तो भाग्य सहायक बन जाता है, उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, ये 6 होते हैं तो भाग्य सहायता करता है, ये 6 नहीं होते तो भाग्य भी आराम करने लग जा सो जाता है कि मुझे क्या करना है फिर। इसलिए हम सब इस पर चिंतन करें कि अहिंसा यात्रा ये शब्द भी ऐसा बन गया और इसके प्रति इतना आकर्षण हो गया कि सर्वत्र एक ऐसा व्यापक, आज तक नहीं देखा कि पूरा गांव इसके प्रति आकर्षण प्राप्त कर रहा है। आश्चर्य होगा, बहुत सारे प्रिंसिपल आए, बोले हम इसके में काम करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री आए और बोले कि मैं निकम्मा हूँ, मुझे काम दो, मैं इस अहिंसा में काम करना चाहता हूँ। शायद साकरी में, कहाँ साकरी में, मैं काम करना चाहता हूँ। अब फिर किसी ने बताया कि वे फिर कह रहे हैं मुझे काम बताओ। कल ही संवाद मिला कि ब्यारा के जो होम्योपैथी कॉलेज में, वहाँ का प्रिंसिपल समर्पित हो गया और बोला कि आप मुझे काम दें तो मैं इस प्रिंसिपलशिप को छोड़कर और काम में लगना चाहता हूँ। संत कुमार, कल ही पत्र मिला, 3 दिन का शिविर था और ये बैठे हमारे जो अनुव्रत समिति वाले ने संवाद दिया कि 3 दिन का शिविर इतना अच्छा रहा कि बहुत अच्छा हो रहा है। ये सारा श्रम का प्रभाव है। आज ही संवाद मिला हमें कि अक्षय समणी अक्षय प्रज्ञा विनीत प्रज्ञा रशिया में है भयंकर सर्दी और वह सारी स्थितियाँ, तो अब वे आने की तैयारी में है कि 30 तारीख को रशिया से हिंदुस्तान आ रही है। तो रशिया वालों ने कहा कि आप जाओ मत, जो व्यवस्था चाहिए हम सारी व्यवस्था करेंगे, यहीं रहो, जाओ मत, और अगर आपको जाना हो तो पहले दूसरे वर्ग की व्यवस्था करके जाओ फिर सर। तो ये सारा श्रम का एक प्रभाव होता है, व्यापक दृष्टिकोण का प्रभाव होता है। तो मुझे प्रसन्नता है कि आज एक अच्छा दिन मानता हूँ, और ये बात तो मैं पहले बहुत बार दोहरा चुका कि महाश्रवण होते हैं तो मेरा 50-60-70% श्रम कम हो जाता है। अन्यथा परिवारों को भी संभालो, उनको भी संभालो, रात को भी जाओ। और एक तो है कि एक श्रम होता था कि नौकार मंत्री बोलो, मंगल पाठ बोलो, ये तो साध्वी प्रमुख ने संभाल लिया और कुछ संतों ने भी संभाल लिया, और वेद मंगल पाठ का भी मुनि दिनेश यादव ने संभाल लिया, कुछ तो संभाल लिया। फिर भी अब पत्र आए, पत्र का उत्तर दो, मेरी तो आदत ऐसी है कि मेरे पास कोई पत्र रख दे, शाम को पास में रखना मुझे परिग्रह जैसा, बंधन जैसा लग रहा है, रखता ही नहीं पास में, अभी तो इकट्ठा कर रखा है कुछ। तो कठिनाई तो होती है, पर आवश्यकता है, अपेक्षा है कि उधर के लोगों का काफ़ी आग्रह था, भावना थी, तो उनकी भावना को पूरा करना भी था। मैं मानता हूँ कि और सबकी भावना को हम पूरा कर सके, एक मुनि जी की भावना को छोड़कर। एक हमारे मुनि है आलोक कुमार जी, जो महाराष्ट्र के हैं, लोणार के, इनकी बहुत भावना थी कि कम से कम युवाचार्य जी को तो लोणार की यात्रा का आदेश, परंतु वह दिनों का ऐसा संकड़ापन था कि संभव नहीं था, तो एक भावना को पूरा सह नहीं कर सका। और तो लोगों की, उधर के साधुओं की भी भावना थी, हाँ वह शायद नहीं हो सकी। फिर भी हमने काफ़ी प्रयत्न किया है कि थोड़े दिनों में काफ़ी क्षेत्रों को संभाला है। तो आज महाश्रवण आ गए और कुछ बातों में ये हल्के हो जाएंगे, मैं भी काफ़ी हल्का हो गया हूँ। तो हम अपने आप में लाघव का, हल्केपन का अनुभव करें और एक निश्चित माने कि अहिंसा का विकास किए बिना समाज की, व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये जनमानस में बैठ रहा है, और जैसे बताया मुस्लिम आदि आदि के सारा,
मैं मानता हूँ कोई आश्चर्य नहीं, जब यह लगता है कि हमारी भी समस्या सुलझ रही है तो फिर होता है। एक मुस्लिम भाई मेरे पास 3-4-5 दिन आता रहा, हमारे यहाँ ठहरना है ठहरना, हमें इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं? फिर पता लगा कि एक समस्या, इसीलिए इसका इतना ज़्यादा आग्रह हो रहा है। तो हम समस्या को सुलझाने में रस लें, धर्म को एक व्यावहारिक बनाएं, उपयोगी बनाएं, प्रायोगिक बनाएं। प्रसन्नता है कि यह सारा एक वातावरण आज आनंदमय मंगलमय वातावरण आपके कुमार नगर में सिंधी कैंप में बना है। तो अब तो कार्य संपन्न कर दें, लोगों का भोजन का समय तो चला गया होगा, हमारा तो चला गया, फिर भी कोई बात नहीं। अभी देखिए, एक बात कहकर मैं संपन्न करूं कि मैं जानता भी था और साजी प्रमुखा ने कहा कि माँ श्रवण पानी भी नहीं पिएंगे, जब तक जिस दिन आते हैं दर्शन किए बिना खाना दूर पानी भी नहीं पीते, तो क्या करना चाहिए? मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो फिर इनका और आया कि मेरी भावना ऐसी है, तो हमने भी एक बीच का रास्ता निकाला। इनकी भावना है कि आहार नहीं करना, तो उस भावना का हमने भी सम्मान किया और साध्वी विशुद्ध विवाह से कहा कि तुम जाओ आहार मत ले जाओ, पानी ले जाओ बस। तो पानी, तो ऐसा पानी या जल कोई भी शायद। तो फिर वहाँ पहुँचे तो ऐसे तो शायद वह भी नहीं लेते, तो फिर मैंने पत्र में लिख दिया कि तुम्हारी भावना का सम्मान हमने किया है, तुम्हारी भावना को ध्यान में रखते हुए कम से कम पानी तो पी लेना, ये जल तो पी लेना। तब इन्होंने वह ग्रहण किया। अभी भोजन नहीं किया, भूखे हैं अभी, अच्छा है, तपस्या से आए तो और अच्छी बात है। तो ये परम प्रसन्नता का क्षण है और इस अवसर पर हम सब लोग, सभी लोग प्रसन्नता का अनुभव करें और वास्तव में धर्म के उस स्वरूप को जो आचार्य तुलसी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।